Right now we are here in Muzaffarpur area and Satpura locality. Here hundreds of names have been deleted from the voter list. Local residents are very angry and they are protesting against cancelling the vote here in this local area. We are talking to people and their grievances. क्या problem है, क्या बताइए, क्या हुआ? ये कि वार्ड नंबर 34 में है, वार्ड नंबर 33 में बूथ नंबर 138 से बूथ नंबर 139, काफी मुस्लिम वोटरों का, चाहे वो औरत हो या मर्द, सब का नाम काट दिया गया, जबकि ऑलरेडी उनके पास वोटर आई कार्ड भी है, वोटर लिस्ट में नाम भी है, उनके फोटोज भी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आपका नाम डिलीट कर दिया गया। अब जबकि चूंकि एक वोट कहते हैं बड़ा अधिकार है कि एक वोट से हार जीत होता है, पूरा बिहार का फैसला होने जा रहा है, हमारे मुस्लिम मतदाताओं का खास करके इस तरह से वंचित किया जा रहा है, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मैं टीवी वालों के माध्यम से जो हमारे पास इंक्वायरी दिया गया है नंबर, उस पर हमने सुबह से हम कंडक्ट कर रहे हैं, लोगों को सूचना दिया है, चाहे चादरा हो, महुआ हो या और यहाँ के ऑब्जर्वर को हमने फोन से किया, उनके मोबाइल नंबर मेरे पास है, कुछ लोगों का नाम ले हमने लिखाया है, राजेश बाबू को लिखाया, चांदना वालों को लिखाया, उन लोगों ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कह रहे हैं कि भाई हम आधा घंटा फिर आपसे जवाब चाहते हैं, फिर आधा घंटा बाद हमने फोन किया जो बोले कि हम भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है। और हमारे काफी मतदाता वार्ड 33 वार्ड 34 के वंचित हो रहे हैं और इसका सही फैसला नहीं हो पाएगा, बिहार अंधकार में हो जाएगा, सही कैंडिडेट नहीं जिता पाएगा, हमको इसका बहुत दुख है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से या तो इस चुनाव को कैंसिल किया जाए या नहीं तो तुरंत कोई इमीडिएट सुप्रीम बॉस या कोई अधिकारी को दिया जाए जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और वोटर आई कार्ड है, उनको वोट गिराने का अधिकार दिया जाए। ये रिपोर्ट आ रही है कि शहर के और भी दूसरे एरिया में मुस्लिम नाम काटे गए हैं, तो क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, नाम काटने के पीछे? हमको लगता है कुछ साजिश है, चूँकि चंदवाड़ा में भी हमने टीवी पर देखा, आपदा स्कूल में और ये करवाला पर भी यही हुआ, अभी जो डिप्टी मेयर उनका भी बयान आया, वहाँ भी मुस्लिम बहुल जिस इलाके में भी है, हमको लगता है किसी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा, हो सकता है न भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम इलाके में ही क्यों ऐसा हो रहा है, ये बहुत दुखद बात है और बहुत शेम की बात है और हमको इस पर कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से या तो पूरे मुजफ्फरपुर का वोट को कैंसिल किया जाए, अरे तो मुसलमान का जहाँ जहाँ वोट है उसको कैंसिल किया जाए और फिर से किया जाए ताकि सही चुनाव। अब हम एक बात करते हैं, यहाँ सातपुरा के एक बुजुर्ग मुस्लिम निवासी हैं, उनके हाथ में वोटर आई कार्ड भी है और शायद वोटर आई कार्ड होने के बावजूद भी इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हाजी साहब, जी हाँ, उनसे पूछते हैं, शौकत अली साहब, हाजी शौकत अली रामानी, बताइए क्या हुआ? ये है कि हमने एक सवा घंटा लाइन लगाया, उसके बाद जो है एडीटी कार्ड मेरे पास है, ये पुराने वाला है और इसी से हम 24 बरस से लगभग गिरा रहे हैं और वो क्या बोलते हैं, अभी हम सवा घंटा लाइन में आए हैं, उसके बाद वहाँ नंबर लग करके वहाँ सामने गए उन लोगों के पास, उसने कहा कि आपका जो है नाम नहीं है इसमें और आपका जो है ये क्या बोलते हैं ये मृत्यु वाला में जो घोषित कर दिया गया है, हम जिंदा सही सालिम यहाँ पे मौजूद है, हमको मृत्यु में जो है साबित कर दिया गया है। ये सब नीतीश सरकार का चाल है कि ताकि हमको तो मिलेगा नहीं वोट मुसलमानों का, ये सब जो है ये दूसरे को मिलेगा, इसलिए साजिश से जो है एक यही सातपुरी की बात नहीं है बल्कि मुजफ्फरपुर में जितना मुस्लिम एरिया है सब में यही हाल है, लगभग जो है 60% मुसलमानों का या 40% लगभग ये नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से, जुनून आदमी का काट दिया गया है, मैं 66 बरस का उम्र का हूँ, मेरा काट दिया गया है, मेरा एडिटिंग कार्ड आपके सामने है। हियर इन मुजफ्फरपुर मिस्टर जमाल वाज इमर्जिंग एज कंसेंसस कैंडिडेट फ्रॉम द मुस्लिम्स, ही वाज फील्डेड बाय एलजेपी आरजेडी अलायंस, बट हियर वी हैव रिपोर्ट्स दैट हंड्रेड्स ऑफ इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम नेम्स हैव बीन डिलीटेड, सो आपने उस पर क्या किया, कंप्लेन कहाँ किया आपने? हम सबको जितना भी आ रहे हैं मीडिया लोग मीडिया वाले सबको जो है हम बता रहे हैं, उसके बाद अभी प्रशासन को बताया गया है, वो सीओ जो है वहाँ भी फोन किया गया है, वो लोग कहा कि ठीक है हम देखते हैं भेजते हैं आदमी कर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि ये वोट ये जो है चुनाव कैंसिल किया जाए, पूरा चुनाव मुजफ्फरपुर का ये कैंसिल किया जाए।